हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जीव विज्ञान ग्रीक वर्ड बायोस तथा लॉगस से मिलकर बना है। बायोस मतलब होता है जीवन या फिर सजीव, और लॉगस मतलब होता है अध्ययन, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी जीव का अध्ययन करना, किसी भी जीव के बारे में यानी कि उसके कार्य के बारे में, उसके बाह्य एवं आंतरिक संरचनाओं के बारे में अध्ययन करना ही जीव विज्ञान कहलाता है। आइए हम परिभाषा देखते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द को सर्वप्रथम लैमार्क तथा ट्रेविल रेनस नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। जीव विज्ञान के जनक अरस्तु माने जाते हैं। फिर जीव विज्ञान की शाखाएं हैं, आइए देख लेते हैं। जीव विज्ञान को दो शाखाओं में बांटा गया है, जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु माने जाते हैं तथा वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस माने जाते हैं। जंतु विज्ञान किसे कहते हैं? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। तथा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पति का अध्ययन किया जाता है, यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। थैंक यू बच्चों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।